हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल को वीडियो देखते हैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। कुछ पूछना हो वो भी पूछिए। चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए ये मखाने हैं, 2 कप लगभग, 1 लीटर दूध है जिसको मैंने बॉईल कर दिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, किशमिश, और ये केसर 5-6 पत्ती हैं जिसको मैंने दूध में डाल दिया है, और ये चीनी, ये देसी घी। खीर बना रही हूँ, गैस पे तई चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें 1 से 1.5 चम्मच करीब देसी घी डाल रही हूँ, और इसमें ये मखाने को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इससे ना फ्राई करने से इसकी टेस्ट अच्छी आती है, नहीं तो ये पूरे ही गल जाते हैं। ये एक बार खा लो व्रत में तो दिन भर इसमें बहुत एनर्जी रहती है, इसके खाने से बहुत हेल्दी भी होती है। इसी तरह इसको पूरा सेक लेंगे, इसको लो फ्लेम पे ही सेकेंगे, नहीं तो ये ना फुल पे जल जाएंगे, थोड़ा क्रिस्पी हो जाए धीरे धीरे। 5 मिनट लगभग लग जाएगा इसको सेकने में, बस अब थोड़ी देर और होगी। देखिए अब ये हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल दूंगी पूरे। इसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा मिक्सी में क्रश कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तब तक इसमें मैं ये थोड़ा दूध बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक ये थोड़ा सा दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं मखाने को थोड़ा क्रश कर दे रही हूँ। अब ये दूध को ना चलाते रहना पड़ेगा, अगर छोड़ देंगे तो फिर वो नीचे से ना जलने का डर रहता है। देखिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसको चलाते रहना पड़ेगा इस तरह से। देखिए अब इसको, ये जो साइड में ये मलाई बैठ जा रही है ना, इसको भी बीच बीच में हटाते रहना पड़ेगा, नहीं तो साइड में चिपक जाती है। इस तरह से चला चला के इसको निकालना पड़ेगा। अब लगभग गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें अब ये चीनी डाल दे रही हूँ। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अभी मैं थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा मीठी ना हो जाए। मैं चख के देखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालूँगी। इसको मिक्स कर दूँगी चीनी को भी। चीनी मिक्स हो गई है, अब ये जो मखाने मैंने इसमें फ्राई किए थे इसको क्रश कर लिया है मिक्सी में, थोड़े से खड़े खड़े रखे हैं, थोड़े ज़्यादा पिसने वाले। अब इसको मैं डाल दूँगी, जिससे ये ना जो ज़्यादा पिस गए तो उससे थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी खीर और बहुत अच्छी लगेगी। इसको भी इसमें थोड़ा मिक्स कर देंगे 2-3 मिनट तक, इसको चलाएंगे। मैंने इसको टेस्ट करके देखा, थोड़ी फीकी लग रही है, जो चीनी मैंने बचाई थी वो वाली भी डाल दे रही हूँ। और ये केसर जो मैंने भिगो के रखी थी दूध में वो भी डाल दे रही हूँ, और ये नट्स, काजू, बादाम, किशमिश,
नट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छे लगें, कुछ कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए अब ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, मखाने भी फूल गए हैं उसमें, दूध में। बस 2 मिनट और खोला के इसको मैं बंद कर दूंगी। देखिए अब खीर गाढ़ी हो गई है पहले से, और मखाने भी गल गए हैं, खीर बन गई है। अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। ये ज़्यादा अगर गाढ़ी अभी कर देंगे ना, ठंडी हो जाएगी, तो फिर रखने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। आप इसको गर्म भी खा सकते हैं, अगर आप ठंडी खाना चाहें तो इसको थोड़ी देर नॉर्मल हो जाए, फिर फ्रीज में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए, तो ठंडी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। घी बन गई है, अब इसको थोड़े ड्राई फ्रूट से मैं गार्निश कर दे रही हूँ। थोड़ी गुलाब की पत्तियाँ बहुत अच्छी लग रही है। देखिए अब गाढ़ी होती जाएगी, जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ना, गाढ़ी होती जाएगी। आप लोग भी बनाइए और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी बनी।